अब चलते हैं फेसबुक के जाने में, आज के सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक के जाने। लोग बहुत इंतजार कर रहे होते हैं फेसबुक का। लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं यार फेसबुक भी बता दिया करो। फेसबुक और ट्विटर एक वाहिद ऐसी सोशल वेबसाइट है जिसका लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे होते हैं। अगर आप यूट्यूब की बात करते हो तो यूट्यूब पर फिर पता चल जाता है लोगों को कि यार आप क्लिक करते हो, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाता है कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन फेसबुक के ऊपर भी इतनी कोई क्लेरिफाई करने वाला कोई भी नहीं है। और अगर आप बात करते हो ट्विटर के, तो ट्विटर के ऊपर तो बिल्कुल ही पता नहीं चल पाता क्या क्या बात हो रही है। तो चलो डिस्क्राइब करते हैं आज के दिन फेसबुक को। फेसबुक के ऊपर जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही थी वो भी सामने लेके आते हैं, वो भी बताते हैं कि भाई बेसिकली था क्या, ऐसी क्या चीज़ें थी जो ट्रेंडिंग में चल रही थी। चलो चलते हैं नंबर 10 से शुरू करेंगे, फिर वन के बलाए खत्म करेंगे। हमेशा की तरह हम कुछ ना कुछ नया लाते हैं और आपको नया नया बताते हैं, तो आज भी बिल्कुल चीज़ें नहीं हैं, कुछ हटके ही हैं। तो नंबर 10 के पीछे ट्रेंडिंग चल रही है फेसबुक के, वो चल रहे हैं ठुमके। ठुमके आपने देखे थे क्या फेसबुक के, जो लोग एक पठान लगा रहा था उसके पीछे ना बहुत सारे लोगों ने जो है वो गाने लगा दिए हैं। गाने लगा के लोगों ने उसका इतना मजाक उड़ाया इस वीडियो का, इसकी कोई हद नहीं है। और बहुत तफरी बनाई गई है उस वीडियो की, अगर आपने नहीं देखी तो जाइए जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि उस वीडियो में हो क्या रहा है। उसमें उसने सर पे कुछ बांधा हुआ, ढुमके लगा रहा है पीछे से। मैं ढुमके लगा के दिखा नहीं सकता वरना मैं भी वायरल हो जाऊंगा। तो चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 की मुझे चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है कराची वर्सेज लाहौर। कराची वर्सेज लाहौर का जो मैच हुआ था उससे लोग गुजर ही नहीं पाया, यानी गेट ओवर ही नहीं कर पाया उससे, क्योंकि वो मैच इतना बेहतरीन हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ और एक और बात करता हूँ, तो वो ये है कि एक और मैच होने वाला है 11 मार्च को, जो कराची का होने वाला है और लाहौर के साथ, और बेहतरीन होने वाला। आप देख रहे होंगे मेरी शर्ट को, आप बोल रहे होंगे यार ये कराची किंग का सपोर्टर लग रहा है, तो यस आए हैं सपोर्टर ऑफ कराची किंग, इंशाल्लाह कराची किंग विल विन टुडे। एंड अगर हम आगे चलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं भाई और डिस्कस करते हैं आज के दिन नंबर 8 के ऊपर क्या चीज़ ट्रेंडिंग चल रही थी, होती है हैशटैग मुल्तान सुल्तान के नाम से। मुल्तान सुल्तान आ गई है और आते ही छा गई है, आवे और छावे हो। उसकी वजह ये थी कि भाई मुल्तान सुल्तान ने जो है कोयटा ग्लेडिएटर से कल हारा है, लेकिन वैसे सारे मैच इसने जीता है और 7 मैच अभी तक खेल चुका है, उसमें से 6 जीते हैं। बेहतरीन मैचेस हुए आज। कराची इंशाल्लाह जीत जाए तो मुल्तान सुल्तान को बीट कर देगा, मुल्तान सुल्तान कहीं का नहीं रहेगा। तो हुआ कुछ यूँ है, मुल्तान सुल्तान जो है लोगों की बातों का टॉपिक बना है, नंबर 8 के ऊपर ट्रेंडिंग चल रहा है। और आपको पता ही है जब कोई चीज़ तरह ट्रेंडिंग चल रही है तो कितना लोग उसको ऊपर कर ले आते हैं और कितना खींच के लोग उसको ऊपर लेके आते हैं। अब चलते हैं 7 की तरफ और डिस्कस करते हैं, हमारे बीच में रहनी चाहिए ये बात कि भाई आज के दिन नंबर 7 के ऊपर क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है। कराची किंग्स की वीडियो इसमें हो ये रहा है कि भाई अगर आपके घर में चोर घुस जाए और PSL चल रहा हो तो करना क्या चाहिए आपको। आपको करना ये चाहिए जब वो घर में घुस रहे हो तो आपको सिर्फ ये बोल देना चाहिए, ओए लाहौर कलंदर जीतेगा, तो हंस के बाहर आ जाएगा वो। और ये चीज़ नंबर 7 के ऊपर ट्रेंडिंग चल रही थी और लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया इसका, राणा फवाद का भी और लाहौर कलंदर साहब का भी। उल्टा बोल दिया मैंने, राणा फवाद साहब बोला था और लाहौर कलंदर बोला था। हाँ इंसाफ यू आर नटखट। चले चलते हैं नंबर 6 की तरफ। आज के दिन नंबर 6 के ऊपर जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है वो है राणा फवाद। राणा फवाद साहब के लिए तो मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट का साइलेंस इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्ल को देख के मेरा दिल चाहता है कुछ ही मुनी कुकू करूँ मैं। और जिस तरीके से वो अपनी टीम को लेके चलते हैं, लगता है उनका BP हाई रहता है। 3 दफ़ा उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है, 2016 में 2017 में और इस दफ़ा 2018 में, क्योंकि उनकी टीम उनको परफॉर्म करके नहीं दे रही है। और उनके बचपन के किस्से में आपको अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो मैं बताता चलूँ कि उनके आगे से एक दफ़ा काली बिल्ली गुजरी और काली बिल्ली आगे जाके वफात पा गई, यानी काली बिल्ली आगे जाके मर गई। अंदाज़ा लगाएं आप कि ये राणा फवाद साहब की किस्मत चल रही है। और अगर आप दूसरी बात करते हैं, एक और टॉपिक की बात करते हैं, तो भाई राणा फवाद साहब ने कहा है कि मैं इससे अच्छा तो बिटकॉइन खरीद लेता या बिटकॉइन में मैं इन्वेस्टमेंट कर देता। तो भाई और इमरान खान साहब का भी यही कहा कि इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, इमरान खान साहब भी लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, तो जीतेगा इस दफ़ा मुझे लग रहा है लाहौर ही जीतेगा। चलिए चलते हैं नंबर 5 की तरफ। और आज के दिन नंबर 5 के वो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, नीलम मुनीर की एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है फिर से कल के मैच में। और आज लोग पागल हुए हैं उस वीडियो को शेयर करने में, उस फोटो को शेयर करने में, वीडियो भी और एक फोटो भी है जो कि लोग शेयर कर करके पागल हुए हुए हैं। और हुआ कुछ यूँ है कि भाई नीलम मुनीर यूँ करके खड़ी हुई है, उसके अंदर उनके साथ एक और एक्ट्रेस भी खड़ी हुई है जो कि उनके यहाँ पे जो दिल है वो बहुत परमानेंट नज़र आ रहा है। लोग उनके बोल रहे हैं कि भाई ये कौन खूबसूरत है और कौन है ये, क्या चल क्या रहा है कि नीलम मुनीर के लोग पीछे पड़ गए। चलते नंबर 4 की तरफ। आज के दिन नंबर 4 की वजह चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, इस्लामाबाद का मैच हुआ था लाहौर कलंदर से, कुछ याद होगा आपको, जो कि सुपर ओवर में चला गया था और लोगों ने उसको इतनी बातें बनाई, इतना इतना एंजॉय किया था उस मैच को कि सुपर ओवर जो
जो चले गए थे सुपर ओवर में, PSL का बेस्ट मैच था, PSL का बेस्ट मैच, इट वॉज द बेस्ट मैच ऑफ PSL, द वे एंड्रयू रसेल वॉज बैटिंग, इट वॉज लाइक अमेजिंग यार, बेहतरीन था, क्योंकि जिस तरीके से एंड्रयू रसेल ने खेला है और जिस तरीके से एंडमन ने छक्का मारा, लेकिन सुपर ओवर तक चला गया। लॉ का अंदर प्लेड वेल, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी किस्मत जो है चलती नहीं है अच्छी तरीके से, तो यू नो दैट कि क्या होता है लॉ करने के साथ हमेशा। तो ये चीज जो थी वो नंबर 4 के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रही थी। आज के दिन नंबर 3 के ऊपर जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही है वो कराची वर्सेस पिशावर का एक मैच हुआ था। कराची के मैचेस तो लोगों ने बहुत एंजॉय किए हैं, और जाहिर ही बात है इतना बेहतरीन खेल रहा है आजकल कराची की इसकी कोई हद नहीं, जिस तरह से पोलार्ड खेलते हैं, संगकारा वगैरह सब बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी, और ये चीज नंबर 3 के ऊपर ट्रेंडिंग चल रही है, लोग उसके ऊपर बातें बना रहे हैं, लोगों को बहुत मजा आ रहा है। और आज के दिन नंबर 2 के ऊपर जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही है वो हसन खान ने कल रात के मैच में कैसे बेहतरीन सिक्सर लगाया, जिसकी वजह से कल के मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स जीत गया, और इतना बेहतरीन सिक्स था, इतना बेहतरीन इसकी कोई हद नहीं है। लेकिन हुआ ये था कि भाई जिस तरह से उन्होंने दो बॉल थी और उनको 3 रन चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सिक्स मार दिया था, और लोगों ने इतना इस बात को शेयर किया, इतना इस बात के ऊपर यानी डिस्कस किया इसको, इतनी ट्रेंडिंग्स में आए कि जाहिर सी बात है जब भी कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आती है तो वो आपकी, मैं आपको बताता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आती है, और आपको कोई तो बताने वाला होना चाहिए ना भाई, आपको बता सके कि भाई क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आपका भाई यहाँ पे मौजूद है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप आ जाइए करें, साइबर रिव्यू देखा करें, और हमारे शो के नीचे कमेंट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करना ना ही भूलेगा। चलते हैं नंबर 1 की तरफ। आज के दिन नंबर 1 की वजह चीज ट्रेंडिंग चल रही है उसको डिस्कस करते हैं, उसको आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखाते हैं ऐसी क्या चीज़ है, आप जरा सोचो आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज ट्रेंडिंग में चल रही है। आज का मैच होने वाला है कराची वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर्स, ट्रेंडिंग नंबर 1, बेहतरीन होने वाला है आज का मैच, और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोगों ने इसके ऊपर इतने हैशटैग्स दिए हैं, इतनी बातें कर रहे हैं लोग, इसकी कोई हद नहीं है, मैं 3 दफा बोल चुका हूं बात, क्योंकि हद तो है ही नहीं। मुझे लगता है कि मेरा शो साइबर रिव्यू कम PSL रिव्यू ज्यादा हो गया, कि जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि भाई क्या चीजें चल रही हैं, और आज के मैच में इंशाल्लाह आप लिख लीजिए 160 का टारगेट देगा कराची, और इंशाल्लाह कराची ही जीतेगा, क्योंकि अब खेल जमेगा, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, अब ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। तो अब चलते हैं छोटे नन्हे काके ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आकर मैं आपको बताऊंगा कि भाई इंस्टाग्राम, पिंट्रेस्ट और ट्विटर की जाने में से क्या ट्रेंड चल रहे हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, कहीं नहीं जाएगा, अपने बेल्ट को टाइटली बांध लें, क्योंकि हम आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद।